नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 27 अगस्त वर्ष 2021। 10th स्टैंडर्ड में साइंस वन हम लोग कर रहे थे। साइंस वन में थर्ड चैप्टर आपको मैं बता रहा था, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण थर्ड चैप्टर। और इसमें मैं आपको समझा रहा था कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण तीन प्रकार मैंने बताया, अभिकारक में ऑक्सीजन का जोड़ना, या अभिकारक से हाइड्रोजन का निकल जाना, या फिर अभिकारक से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। ये तीनों में से एक भी अभिक्रिया है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी कोई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसी रासायनिक पदार्थ की सहायता से होती है, उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। फिर ये ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। पेयजल की शुद्धि के लिए किस ऑक्सीकारक का उपयोग होता है, क्लोरीन युक्त ऑक्सीकारक का उपयोग होता है, ये आप लोग लिख लेना। पानी की टंकियों में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट एक जंतुनाशक है, ये हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक भी है, जैसा आपने ऊपर देखा था। तो ऑक्सीकारक भी जंतुओं को नष्ट करने में सहायता करता है, ठीक है। अब मैंने आपको जो तीसरी परिभाषा बताई थी ऑक्सीकरण की, उसका थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि ये यहाँ पर आयरन सल्फेट है, इसमें एक ऑक्सीकारक अभिकारक ऑक्सीकारक डाला गया है। कौन सा ऑक्सीकारक, ऊपर हमने लास्ट में एक ऑक्सीकारक देखा था, 2K1O4 और ये 3H2SO4, है ना। KMnO4 और H2SO4 यही यहाँ पर डाला गया है। देखो, KMnO4 H2SO4 डाला गया है, किसमें डाला गया है, आयरन सल्फेट में। तो ये आयरन सल्फेट देखो क्या बन जाता है, जो FeSO4 था वो यहाँ Fe2SO4 बन जाता है। फेरस सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट हो गया। तो अब ये हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें, इस रिएक्शन में। देखो, सिर्फ ये FeSO4 नीचे लिया है, और क्या लिया है, Fe2SO4 लिया है। ये एफी पेज नंबर 42, 42 देखो, Fe2SO4 थ्राइस, ये इसके 5 अणु थे और इसके 10 अणु थे, यानी ये डबल था। कटा हुआ है ये, एक्चुअली ये कटा हुआ था, ये बॉक्स वाला। पक्का, या फिर मैं अपना पीडीएफ देखूं, नहीं कटा हुआ है, थोड़ा सोचिए, कटा हुआ है ना। हाँ हाँ ये भी कटा हुआ बताइए, तो कटा हुआ है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, ये कटा हुआ है बराबर। तो सोचिए बताइए तो, के बाद जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें हमको एक्चुअली अपचयन समझाया है, क्या समझाया है, अपचयन। ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है अपचयन। ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। अब आ रही है आवाज बराबर, हाँ तो जैसे मैंने आपको ऑक्सीकरण में क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना, या अभिकारक से हाइड्रोजन का निकल जाना, या इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये तीनों ऑक्सीकरण है। ऐसे ठीक अपचयन ठीक इसका उल्टा है। आप लोग बोलो, अपचयन क्या होगा,
ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण है ना। अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना, निकल जाना। हाँ ऑक्सीकरण बेटा, मैं ऑक्सीकरण का पेज दिखा रहा हूं आपको। तो तो यहां जुड़ा है, ये ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन इसी का उल्टा अगर मैं लिख दूं MgO, तो अगर मैं उल्टा देखो इसको, उल्टा MgO है, उसका Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन निकल गया उसमें से, तो उल्टा अगर देखें तो ये अपचयन है। यहां भी उल्टा देखो, अपचयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। रिएक्शन उल्टा कर दो, एरो इस साइड कर दो। चलो तो MgO का यहाँ, MgO में से ऑक्सीजन मुक्त हो गया तो MgO का अपचयन हो गया, CO2 में से ऑक्सीजन मुक्त हो गया, CO2 का अपचयन हो गया। फिर मैग्नीशियम में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ पे अपचयन हो गया। यहाँ भी देखो दोनों में हाइड्रोजन जुड़ गया, एक एक हाइड्रोजन यानी H2 जुड़ गया, तो यहाँ भी अपचयन हो गया। ऐसे ही ऑक्सीकरण में मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना समझाया था। हाँ ऑक्सीकरण में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना, ये इसका ये उदाहरण दिया था जो कि रिड्यूस हो गया है। इसी का उल्टा देखो, किसी में यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो क्या होता है, उसका एक प्लस कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। समझे बात? तो पेज पेज नंबर 43 में यही बात यहां समझाई गई है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खोता है और नया उत्पाद बनाता है वह भी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें एक चीज और जोड़ दो कि जो अभिकारी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह भी अपचयन अभिक्रिया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन के साथ ही इलेक्ट्रॉन भी लिख दो तो आपको याद रहेगा, है ना, हाइड्रोजन के साथ ही इलेक्ट्रॉन भी लिख दो। हाइड्रोजन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये दोनों अपचयन है। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक कुछ भी यदि ग्रहण हो रहा है तो अपचयन है, लेकिन वहीं पर ऑक्सीकरण इसका उल्टा। इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन यदि मुक्त हो रहा है, निकल रहा है अभिकारी पदार्थ से, तो ऑक्सीकरण होगा। है ना? और वहीं पर यदि ऑक्सीजन खो रहा है तो फिर वो भी ऑक्सीकरण है। कोई भी अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खो करके एक नया उत्पाद बना रहा है तो ये सब जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि कोई पदार्थ को जो पदार्थ अपचयन करता है वो अपचायक कहलाता है। जो पदार्थ अपचयन करता है उसे अपचायक कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस को, अभी इसका एक उदाहरण दिया है, हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो गुलाबी भूरी कॉपर की परत प्राप्त होती है, कॉपर की परत प्राप्त होती है। तो यहां किसका अपचयन हुआ है? हाँ इसमें देखो ऑक्सीजन निकल गया है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का यहां पर अपचयन हो गया है। अच्छा ठीक, इसका अरे मैं आप दिखे नहीं ना, इसके नीचे आ गया था,
कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर बन गया है ये। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है ना। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया और वो कॉपर बन गया। तो यहाँ पर अपचायक कौन हुआ? जिसका अपचयन होता है, ऊपर हमने देखा है जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो CuO का अपचयन हुआ है इसलिए अपचायक कौन है? CuO अपचायक है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कौन से अभिकारी पदार्थ का अपचयन हुआ है? तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ठीक है, अच्छा वही उल्टा दूसरा हाइड्रोजन का देख लो तो जरा, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? नहीं बेटा, H2 था, H2 में O आ गया है, H2O बन गया है। ये डायरेक्शन में देखो, यस, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया है ना। तो यही देखो नीचे वही दिया है कि यहाँ अभिक्रिया होते समय कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो देता है तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु को स्वीकार कर रहा है और पानी बन रहा है तो इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ। तो ऐसी जो क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ घटित होता है। हाँ, यस। तो परिभाषा इसकी याद कर लो, क्या परिभाषा है? यही, अब इसको आप अपने मन से लिख लेना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित होता है। हाँ, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित होती है। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर, कहाँ गया लाइन? तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित होती है ना, ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिख लोगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ घटित होती है उस क्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचयन प्लस ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है। यहां पर देखो रिडॉक्स अभिक्रिया कुछ उदाहरण दिए हैं, उसमें से ऑक्सीकारक और अपचायक कौन है वो पहचानना है। तो देख लेते हैं, यहां पर देखो H2S था और ये S बन गया, क्या निकल गया है इसमें से? H2S था, सिर्फ S बचा है, क्या गायब हो गया इधर? मतलब हाइड्रोजन, H2 गायब हो गया ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे हमने देखा था हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है। हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो यहाँ H2S में से हाइड्रोजन निकल गया इसलिए H2S का ऑक्सीकरण हुआ है।
H2S का ऑक्सीकरण हुआ है, और SO2 में से क्या, SO2 में क्या हुआ है? इसमें देखो नहीं, इसका ऑक्सीजन में से S निकल गया और क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है। तो ये इसका इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है। SO2 में से इसमें S निकल के हाइड्रोजन आ गया है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसका अपचयन हुआ है। तो अब इसमें क्या पहचानने को बोला है, ऑक्सीकारक और अपचायक कौन है। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो ऑक्सीकारक है, जिसका अपचयन हुआ है वो अपचायक है। हाँ, H2S ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है SO2। ठीक है, आप यहां पर देख लेते हैं अगली क्रिया में। माइक बंद करो बेटा। ये MnO2 प्लस 4HCl। अब इसमें देखते हैं MnO2, यहां पर देखो MnCl2 बन गया, क्या निकल गया, यहां ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना यानी अपचयन होना कहलाता है। तो इसका अपचयन हो रहा है। फिर यहां पर क्या हुआ, देखो ये क्लोरीन की जगह पे ऑक्सीजन आ गया है, हाँ, तो इधर ऑक्सीकरण हो रहा है। और इधर अगर ऐसा भी देखें, अगर इधर से ये वाला भी देखें तो हाइड्रोजन निकल गया है, देख रहे हो, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है और ऑक्सीजन जुड़ गया है। हाइड्रोजन निकल गया इसलिए Cl2 बचा आ गया है, और ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसलिए H2O हो गया है। हाँ, एक गैस है ना, क्लोरीन गैस होती है, गैस है इसलिए। तो इसका ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पहचानना है। तो ये अपचयन हुआ, तो अपचायक हो गया, और ये ऑक्सीकारक हो गया। आगे देखो क्या पूछा, ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का खोना, तो अपचयन का मतलब क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का पाना, यस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जस्ट उल्टा। यहां पर देखो Fe3+ का अपचयन होकर Fe3+2+ का निर्माण होना, यह अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके लिखी है। तो कैसे था, Fe3+ था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया, आ गया, तो एक माइनस आ गया, तो एक माइनस और एक प्लस कट जाता है, तो ये Fe2+ बन जाता है। तो ऐसे लिखना है ये क्रिया। घर में रखे एल्युमिनियम के बर्तनों के पृष्ठभाग की चमक कुछ दिनों बाद कम हो जाती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण होता है। जो एल्युमिनियम की धातु होती है वो हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के कारण पृष्ठभाग की चमक कम हो जाती है। समझे कि नहीं बेटा आप लोग, फिर यहां पर कुछ और दिया है, ये तो कैंसिल किया ना, आप जानते हो क्या, परमाणु पर आयनों पर धनावेश बढ़ता है या ऋण आवेश कम होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। धनावेश का बढ़ना या ऋण आवेश का कम होना, मतलब धनावेश कब बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है,
इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो धन आवेश बढ़ेगा, ऋण आवेश कम होएगा, और इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा होता है, धन आवेश कम हो रहा है और ऋण आवेश बढ़ रहा है। ऋण आवेश कब बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन के आने से। इलेक्ट्रॉन आवेश ऋण आवेश बढ़ना यानी इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, तो उसे अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, आगे चलें। क्षरण, क्षरण किसे कहते हैं? यहाँ पर एक कृति द्वारा समझाया गया है। एक परख नली है, इसमें क्या है, उबला हुआ पानी है और तेल, ऊपर तेल है, पीले कलर का ऊपर तेल है और नीचे पानी है। उसके अंदर लोहे का एक खीला डाला गया है। दूसरे परख नली में क्या है, नमक का विलयन है, यानी पानी और नमक घोल के डाला गया है बस, और अंदर खीला डाला गया। खीला लोहे की कील सब में है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ हवा है। और इसमें क्या है, हवा व निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, हवा है और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, सूखा कैल्शियम क्लोराइड है। ऊपर से कॉर्क भी बंद कर दिया है, बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही है। तो होगा क्या, ये हवा के अंदर जो नमी होती है वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे नमक पानी को खींच लेता है ना, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक तरह से नमक है, ये हवा के अंदर जो पानी है उसको भी खींच लेता है। तो सूखी हवा है मतलब इसके अंदर। तो अब क्या करना है, देखो इस तरह से लगाना है, परख नली तैयार करना है और चारों परख नली को कुछ दिन तक वैसे ही छोड़ देना है। फिर क्या क्या पूछा, देखो कुछ दिनों बाद चारों परख नली के कीलों का निरीक्षण करना है, जो कीला अंदर डाला था इसका निरीक्षण करना है। तो क्या किस परख नली में कीलों में जंग लगी, देखो जंग सब में लग गया, केवल इसमें नहीं लगेगा, चौथे वाले में क्यों नहीं लग गया, क्योंकि पानी बिल्कुल था ही नहीं, पानी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया था कैल्शियम क्लोराइड ने, एकदम सूखी हवा थी। बाकी इसमें हवा है, लेकिन हवा में भी पानी होता है हल्का सा, पानी की भाप होती है ना हवा में, तो इसमें भी जंग लगेगा। और इसमें देखो इसमें सबसे तेज जंग लगने वाला है, क्योंकि पानी भी है नमक भी है, पानी और नमक है, सबसे तेज गति से इसमें जंग लगेगा और सबसे स्लो जंग इसमें लगेगा। उबला हुआ पानी है, उबला हुआ पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हाँ, ऊपर तेल है तो क्या होगा, बाहर से अब ये नहीं आ रहा है, बाहर से जो ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। पानी आपने उबाला था, ऑक्सीजन निकल गया है, अब ऊपर तेल भर दिया है तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा, है ना। यानी ऑक्सीजन, पानी तो है, सिर्फ पानी है लेकिन बिना ऑक्सीजन वाला है, तो इसमें सबसे धीमी गति से जंग लगेगा, इससे भी धीमी गति से, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन तो थी ना, यहां ऑक्सीजन ही निकल गया है, सिर्फ पानी है। तो मतलब क्या, सबसे तेज किसमें लगता है, जिसमें पानी भी हो ऑक्सीजन भी हो और नमक भी हो, उसमें सबसे तेज गति से जंग लगता है। तो यही आपको दिखाई देगा, इसमें सबसे जल्दी जंग लग जाएगा और इसमें ये पहले वाले में सबसे स्लो जंग लगेगा, तीसरे वाले में लगेगा लेकिन थोड़ा स्लो लगेगा, और चौथे में तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या समझ में आया इस कृति से, कि जंग लगने के लिए पानी तथा हवा दोनों की आवश्यकता होती है, हवा मतलब ऑक्सीजन समझ लो, और यदि उसमें नमक की उपस्थिति है तो जंग लगने की क्रिया और तीव्र हो जाती है। यानी हवा भी है पानी भी है और इसमें लवण, लवण यानी नमक होता है, नमक को हिंदी में लवण कहते हैं, तो नमक भी है
हवा भी है यानी ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, तब क्या होगा, जंग लगने की क्रिया तीव्र गति से होती है। ठीक है, अब देखो धातु के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की धातु, मतलब ये लोहा, सब धातु नहीं होता है, लोहे लोहे के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में परत जमा होती है, इसे जंग कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लो, जंग की परिभाषा है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाँ, जंग किसे कहते हैं? हाँ, धातु के पृष्ठभाग पर लाल भूरे रंग की ठोस रूप में परत जमा होती है, इस परत को जंग कहते हैं। और ये जंग का सूत्र है Fe2O3H2O। जंग कैसे लगता है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, टाइम हो रहा है आपका। और ये भी आप याद करने ना बेटा, ये जो मैंने लिखा है आप लोग भी अपने बुक में लिख लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, डायग्राम दे देगा, ये मैंने लिखा है सबसे धीमी गति से जंग, नहीं दिख रहा आप लोग को? वीडियो में सेंड करूंगा, अभी देखो मैंने जूम किया, आप दिख रहा होगा। क्लियर नहीं दिख रहा है? इतना जूम करने के, अच्छा ठीक है, मैं फोटो भेज देता हूँ, खींच के फोटो भेज देता हूँ मैं। ओके ठीक है, ठीक है, चलेगा। फोटो एक पूरा पेज का ही फोटो खींच के भेज देता हूँ। ओके, कितने लोग आए थे बेटा, कितने लोग आए थे अभी, कितने? ठीक है, 45 लोग आए थे। ओके बेटा, अच्छी संख्या है। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।